वेलकम बैक टू बिना क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स का तीसरा पार्ट, तीसरा वीडियो हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.1 का कुछ क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो पहले देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। सो ये दो क्वेश्चन है, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल से है और एक एक्सरसाइज 6.1 से दो क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग बगल में फिगर भी दिया हुआ है। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, रे ओ एस, देखिए ओ एस स्टैन ऑन लाइन पी क्यू आर, ये एक लाइन है पी क्यू आर, इस पर क्या है एक रे है, ओ एस स्टैंड किया हुआ है एज शोन इन फिगर। रे ओ आर एंड ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ पी ओ एस, पी ओ एस का एंगल बाइसेक्टर कौन है, इससे पहले कौन है ओ आर। तो देखिए ओ आर जो है वो एंगल बाइसेक्टर है पी ओ एस का, एंड ओ टी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल एस ओ क्यू, एस ओ क्यू का ओ टी जो है क्या है एंगल बाइसेक्टर है स्पेसिफिकली। और बोला है इफ पी ओ एस इक्वल्स टू एक्स, पी ओ एस मतलब ये जो एंगल है टोटल एंगल वो क्या है एक्स दिया हुआ है। सो फाइंड आर ओ टी, सो आपको निकालना है आर ओ टी ये वाले एंगल का वैल्यू कितना होगा, समझ रहे हैं। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम लोग। सो दिया हुआ है एंगल पी ओ एस, पहले गिवन लिख लेते हैं हम लोग, और आपको फाइंड करना है एंगल आर ओ टी। और क्या क्या गिवन है, एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस क्या लिख सकते हैं, एंगल पी ओ एस कहाँ पे देखिए पी ओ एस विच इज इक्वल्स टू पी ओ आर प्लस आर ओ एस, सो लिख सकते हैं एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस, पी ओ एस को हम लोग पी ओ आर प्लस आर ओ एस लिख सकते हैं। और पी ओ एस कितना है, तो पी ओ एस दिया हुआ है एक्स है, सो एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस। सो देखिए हमको फाइंड आउट करना है आर ओ टी, आर ओ टी विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दो अलग अलग एंगल है आर ओ एस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी, एस ओ टी दैट मीन्स अगर मैं आर ओ एस निकाल लूँ पहले कंडीशन से, हेयर इज द आर ओ एस, और एक और कंडीशन क्या बोला है कि ओ आर जो है लाइन ओ आर इज द एंगल बाई सेक्टर ऑफ पी ओ एस, दैट मीन्स क्या होगा अगर आर ओ एस और पी ओ आर एंगल बाई सेक्टर मतलब क्या है, ये वाला जो एंगल है इक्वल्स टू दिस एंगल, ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। सो हम लोग लिख सकते हैं पी ओ आर और आर ओ एस दोनों कैसे होंगे सेम होंगे, सो हम लोग आर ओ एस इक्वल्स टू एंगल पी ओ आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं एंगल आर ओ एस, और एंगल आर ओ एस तो है ही, क्यों है ऐसा, एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू एंगल आर ओ एस। सो देखिए यहाँ पे हो गया आर ओ एस इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस, दिस इज हियर एक्स इम्प्लाइज दैट एक्स बाय टू इक्वल्स टू एंगल आर ओ एस, ठीक है। तो आर ओ एस हमने निकाल लिया एक्स बाय टू। अब हम लोगों को देखना है दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन से हमने इस क्वेश्चन को निकाल लिया, अब हम लोग देखेंगे दूसरे कंडीशन में कि दूसरे कंडीशन में क्या दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग कंडीशन टू देख लेते हैं, नेक्स्ट कंडीशन हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से। अब दिया हुआ है आपका ओ टी जो है एंगल ओ टी इज बाइसेक्टर ऑफ एस ओ क्यू, सो क्या हो गया एंगल एस ओ क्यू इक्वल्स टू एंगल एस ओ टी प्लस एंगल टी ओ Q,
क्यू, राइट, और एस ओ क्यू, एस ओ क्यू, ये हम लोगों के पास दिया हुआ है। चलिए ओके, विच इज इक्वल्स टू एस ओ टी एंड टी ओ क्यू, एस ओ टी एंड टी ओ क्यू, ये दोनों भी क्या है, एंगल बाई सेक्टर है। सो क्या हो जाएगा, एंगल एस ओ टी प्लस एंगल एस ओ टी, क्यों लिख सकते हैं इसको बताइए, क्योंकि एंगल एस ओ टी इक्वल्स टू एंगल टी ओ क्यू, ये दोनों भी कैसा है, सेम है। दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ एंगल एस ओ टी इंप्लाइज दैट एंगल एस ओ क्यू डिवाइडेड बाई टू इक्वल्स टू एंगल एस ओ टी। सो देखिए आर ओ एस हमने निकाला, फाइंड आउट किया, आर ओ एस हमने फाइंड आउट कर लिया, और एंगल एस ओ टी, एस ओ टी हमको निकालना था, इसको भी हमने निकाल लिया। देखिए आर ओ एस जो है इन टर्म्स ऑफ एक्स है, सो क्यों ना हम एस ओ क्यू को भी इन टर्म्स ऑफ एक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सो कैसे होगा, देखिए इसको हम लोग साइड में कर लेते हैं, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू कितना है टोटल मिला के 180, एक स्ट्रेट लाइन पी ओ क्यू पे बनता है 180 होगा। सो एंगल एस ओ क्यू विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल पी ओ एस, दैट मीन्स 180 माइनस पी ओ एस का वैल्यू कितना, देखिए यहाँ पे पी ओ एस को x लेने वाला है x, दैट मीन्स एस ओ क्यू की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, 180 माइनस एक्स। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 180 माइनस एक्स डिवाइड बाई टू इक्वल्स टू एंगल एस ओ टी, क्लियर। अब देखिए आगे हम लोग करते हैं इसको, अब दोनों इक्वेशन हमने क्या किया, हमने दोनों इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया है। कौन कौन से हमें निकालना है, आर ओ टी विच इज इक्वल्स टू आर ओ एस प्लस एस ओ टी, सो आर ओ टी, आर ओ एस पहला इक्वेशन, दिस वन दिस द सेकेंड इक्वेशन, आर ओ एस के वैल्यू है एक्स बाई टू प्लस, अब एस ओ टी, एस ओ टी कितना है 180 माइनस एक्स बाई टू, यहाँ भी 180 माइनस एक्स बाई टू आ गया, ठीक है। अब इसको चलिए सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम आना वाला है हमारा 2, सो एक्स प्लस 180 माइनस एक्स, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया, सो 180 बाई टू इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल आर ओ टी इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 90 डिग्री। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं, गिवन को अच्छे से लिखना है, क्या फाइंड आउट करना है उसको लिखिए, उसको किस किस एंगल से मिला के बना सकते हैं, दोनों एंगल को हमने क्या किया, दो अलग अलग कंडीशन पे, पहला कंडीशन का ओ आर इज एंगल बाई सेक्टर, ओ टी इज एंगल, दोनों कंडीशन यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओके सो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए इन फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन, दो डिफरेंट लाइन है एक्स वाई एंड एम एन, देखिए कहाँ पे है एक्स वाई, दिस इज द लाइन एक्स वाई एंड लाइन एम एन, ये दोनों लाइन हमारा देखिए इंटरसेक्ट एट ओ, ए ओ पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, एंड एंगल पी ओ वाई इज 90 डिग्री, एंगल पी ओ वाई, दिस इज पी ओ वाई, दिस इज 90 डिग्री, एंड अनदर थिंग इज ए इज टू बी इज 2:3, दैट मीन्स दिस, इन दोनों का रेशियो जो 2:3 है, फाइंड करना आपको, सी ए निकालना है आपको, क्या गिवन है, एंगल पी ओ वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड ए इज टू बी इक्वल्स टू 2:3, दैट मीन्स क्या बोलेंगे हम लोग, ए इक्वल्स टू ले लिया हम लोग 2x
और b इक्वल्स टू 3x, ठीक है। और आपको पता है अगर ये 90 डिग्री है इधर में, ये 90 डिग्री, तो ये बचा कितना है, ये भी क्या होगा, एक 90 डिग्री होगा। सो एंगल a प्लस एंगल b इक्वल्स टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इंप्लाइज दैट 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 90 डिग्री, इंप्लाइज दैट 5x इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर x इक्वल्स टू 90 बाय 18 डिग्री। सो x का वैल्यू कितना निकलेगा हमारा, 18 डिग्री। सो a इक्वल्स टू कितना है हमारा, 2x इक्वल्स टू 2 इंटू 36 डिग्री, एंड b कितना है 3x, दैट इज 3 इंटू 18, 54 डिग्री। इन दोनों को सॉल्व प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। बट आपको फाइंड करना है एंगल C, एंगल C फाइंड आउट करना है। सो हम लोग क्या करेंगे, देख लीजिए, एक स्ट्रेट लाइन है MN, लाइन MON, लाइन MON, MON, इस पर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एक एंगल बन रहे हैं B प्लस एंगल C, टोटल मिला कितना होगा 180, दिस इज द एंगल B एंड दिस इज एंगल C, दोनों को मिला कितना हो रहा है, एक लाइन स्ट्रेट लाइन बनता है 180 डिग्री, और एंगल B हमने फाइंड आउट कर लिया 54 डिग्री। सो एंगल C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल B, दैट इज 180 माइनस 54 डिग्री वन, ठीक है। तो इसको हम लोग माइनस करते हैं कितना आ जाएगा, सो 126 डिग्री हो गया एंगल C। सो यही आपको फाइंड आउट करना था कि एंगल C का वैल्यू क्या है। सो देख पा रहे हैं कितनी आसानी से आप इसको कर लिए हैं, जिनको जिनको लाइंस पे कितने एंगल बनते हैं, पॉइंट के चारों तरफ कितने एंगल बनते हैं, ये सारे का वीडियो हम लोग पार्ट वन पार्ट टू में बना दिया है, वो आप जाके देखिए, थ्योरम वन एक्सियम वन 6.1 एग्जाम 6.2 पार्ट टू में है, थ्योरम वन जो है 6.1 वही पार्ट टू में है, उसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी है। एंड पार्ट वन में पूरे डिटेल्स, व्हाट इज लाइन, व्हाट इज स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज पॉइंट, व्हाट इज एंगल, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, सो ऑन सो ऑन, सारे डिटेल्स वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए। नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे लगे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो क्वेश्चन ड्रॉप कीजिए आप कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, जय हिंद।